आपको क्या मालूम है कि वो घाटी क्या है? जो घाटी आपने पारी नहीं की, कौन सी घाटी? कि गर्दन छुड़ाने में, गुलामों को छुड़ाने के अंदर। अब गुर्दन, अब ये कि गुलाम तो अभी नहीं है, लेकिन अब वो कर्जदारों को छुड़ाने के लिए, जो बेकसूर लोग बंद हो गए उनको छुड़ाने के लिए, उसके लिए भी माल खर्च करना। और ये घाटी है, ये घाटी। और जानते हैं कि वाकई में घाटी, आज कोई भी इसके लिए काम नहीं करता। मुसलमान गरीब को फिर भी दे देते, फकीर को दे देते, लेकिन इनके लिए कोई कुछ नहीं करता। जो कुछ कर रहे हैं वो गैर मुस्लिम कर रहे हैं, मुसलमान तो इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। और भूख के दिन खाना खिलाना और किसी करीब यतीम को, यानी भूख के दिन खाना खिलाना, यानी भूखा हो उस दिन। हो सकता है कि कोई आदमी आपसे बार बार मांगता हो, आदत है उसकी, रोज मांगता है, लेकिन आप उसको मना नहीं कर सकते, ये आपके पास तो देना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपको, ये तो रोज ही आ जाता है, वहाँ से भी लेता वहाँ से भी लेता है। हो सकता है कि उस दिन आया और किसी ने नहीं दिया हो, अब भूखा रह गया। तो भूख के दिन खाना खिलाना वो असल है। वो करीबी यतीम को, करीबी हो या तो रिश्तेदार हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, दोस्त की औलाद हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जो भी करीब है उसको। और यही आयतें सारी अल्लाह के रसूल सल्लम पर 13 साल तक मक्का में यही आयतें आती रही। ना कोई नमाज की, ना कोई रोज़े की, ना कोई दूसरे कोई फराइज की, यही आयतें अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में आती रही कि तुम जो है सहारा बनो, यतीमों का तुम सहारा बनो, क्योंकि आप खुद यतीम थे। या फरमाए सूरह माउन सूरह नंबर 107 आयत नंबर 1 और 2 में फरमाए कि अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल लज़ी यदुल यतीम। क्या तुमने उसे देखा जो दीन को झुठलाता है? अब दीन को झुठलाने वाले हम किसको कहेंगे? कि काफिर झुठलाता है, मना करता है, दीन को नहीं मानता। तो यहाँ अल्लाह ने कहा कि क्या तुमने देखा जो दीन को झुठलाता है? वो तो वो कौन है कि वो है जो यतीम को धक्के देता है। यह यतीम को लोग धक्के दे रहे हैं, उसके लिए बंदोबस्त नहीं करता, वो बेचारा दर दर भटक रहा है। तो ये झुठलाना है दीन को, ये दीन को झुठलाना है। तो जिनको बेसहारा को सहारा बनना था, लोगों को तरगीब दिलाना थी, अल्लाह ने उनको यतीम कर दिया ताकि उनके अंदर उन यतीमों का दर्द पैदा हो जाए, ताकि उन यतीमों का वो सहारा बने, और बने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही यतीमों का सहारा बने। और उसवाए हसना है, तो ये उसवाए हसना उनका किरदार का है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक का है। अब वो छोड़कर लोग क्या क्या गिनाते हैं, जब वो दूसरी चीज़ तो जाहिरी पे लोग उस पर जाते हैं कि असल तो उसवाए हंसना ये गिनाना चाहिए कि देखो तुम इसकी इत्तिबा करो। अब उसको छोड़कर लोग उन चीज़ों पर चले जाते हैं कि भाई तुम सबसे पहले तो दीन में आकर दाढ़ी रखो, तुम लिबास ऐसा ये करो, तुम फला ये करो वो करो। असल किरदार तो ये था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो शुरू में काम आता है, गरीबों की मदद करना, मिस्किन को खाने खिलाना, ये किरदार। तो ये किरदार उसवा हसना नहीं बनाया जाता, दूसरी चीज़ों को उसवा हसना बनाया जा रहा है। इधर आगे फरमाया कि उन नमाजियों के लिए खराबी है जो नमाजों के मकसद से गाफिल है, मकसद से गाफिल है, यानी कि मकसद से कैसे गाफिल है कि यहाँ तुमको मस्जिद में जमा किया गया था, 5 वक्त तुम मस्जिद में आते हो, जुम्मे के दिन तुम जमा होते हो सारे लोग, तो ये मकसद के लिए तुमको जमा करवाया था कि तुम कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर खड़े हो, ताकि यहाँ इकट्ठा हो तो एक दूसरे के हालात मालूम कर सको कि तुम्हारे भाई के क्या हालात है। तुम उनके साथ बैठोगे मिलोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि इसी तंगी में तो नहीं है, कुछ मुसीबत तो नहीं, बीमार तो नहीं है। तो इसलिए भी था, एक तो वो मकसद है कि जमात से नमाज पढ़ना, यानी कि उसका सवाब मिलेगा ज़्यादा, 27 गुना। दूसरा ये था कि तुम जब इकट्ठे हो तो एक दूसरे को जानो, एक दूसरे के हालात से वाकिफ रहो, ताकि किसी कोई मुसीबत परेशानी है तो वो उस परेशानी को उसको हल करे। तो इसलिए तुमको मिलाया गया था, ताकि कोई भलाई का निज़ाम बनाओ, जब तुम आई गए हो तो कोई निज़ाम कायम करो, जिकात इकट्ठी करने का, बीमारियों के इलाज करवाने का, दवाई देने का, लोगों को, लोगों की इसलाह करने का, सलाह मशवरा करने का, लोगों को परेशानियाँ दूर करने का, ये कुछ निज़ाम तुम कायम करो। इसलिए भी है नमाज, इसलिए नहीं कि सिर्फ अपनी अपनी पढ़कर आप चले जाए, नमाज इसलिए ताकि वहाँ से आप इकट्ठे हो रहे हैं तो कुछ मनसूबाबंदी करो, कुछ नए प्रोग्राम बनाओ, दीन की दावत के लिए कुछ काम करो। तो ये निज़ाम के लिए भी तुमको इकट्ठा किया गया।